हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो आज मैं हूँ नाडा एक्सप्रेसवे पे और मैं जा रहा हूँ जेवर की तरफ। तो आज मेरा थोड़ा मूड कर रहा था मोटो ब्लॉगिंग करने का गौड़ यमुना सिटी में। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे अभी क्या स्टेटस है, कैसी प्रोग्रेस चल रही है और सारी टाउनशिप एक बार घूमेंगे। तो अभी हम यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं, तो यह है यमुना एक्सप्रेसवे और सीधा रास्ता चला जाता है परी चौक की तरफ। तो दोस्तों, आज बहुत अच्छा मौसम है, धूप वगैरह निकली हुई है, तो मोटो व्लॉगिंग के लिए, बाइक पे घूमने के लिए बहुत अच्छा एक डे है आज। तो मैंने सोचा कि आपको भी विजिट कराएं और साथ में दिखाएं। तो दोस्तों, गौड़ यमुना सिटी इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग में है और जैसे कि आपको पता है कि जेवर एयरपोर्ट से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे है गौड़ यमुना सिटी और बहुत ही बढ़िया लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। अभी लोग प्लानिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ से आगरा एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। दोस्तों, आज हम अपनी बाइक पर मौसम को एंजॉय करते हुए और रास्ते का एंजॉय करते हुए, बहुत मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है एग्ज़िट 2C और यहाँ से हमने एग्ज़िट कर लेना है और अब फिर आगे जाके हम एंटर करेंगे गौड़ यमुना सिटी में। तो दोस्तों, ये बिल्कुल मेन रोड पे है गौड़ यमुना सिटी और अगर आपको इस हाईवे से देखना है तो आप इस हाईवे से भी आराम से देख सकते हो। और यहाँ पे वर्ल्ड टॉलेस्ट कृष्ण जी की मूर्ति बनने वाली है, स्टैचू बनने वाला है जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट है। तो दोस्तों, हमें अब यू टर्न लेना है, तो देखते हैं आगे जाके कट होगा और यू टर्न लेते हैं। तो बिल्कुल हाईवे के पैरेलल रोड है ये और सामने शायद मुझे लग रहा है ये कट है। तो दोस्तों, गौड़ यमुना सिटी में स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो 32 लाख रुपए से है। 32 लाख रुपए से आपको प्लॉट मिल जाता है। तो ये रहा दोस्तों राउंड अबाउट, यहाँ से हम अब यू टर्न लेते हैं। ये हाईवे, मौसम बहुत बढ़िया है, फुल एंजॉय हो रहा है आज।
दोस्तों बाइक जो है ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी चाहिए, आप बस 40-50 पे चलाओ तो बढ़िया रहेगी। तो दोस्तों नोएडा में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया सोसाइटी है गौड़ यमुना सिटी, तो जो कि गेटेड है पूरी प्रॉपर, और बीच में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी है, इंटरनेशनल स्कूल भी है, और गौड़ का जैसे नाम आपको पता ही है, वेल एकदम फेमस नाम है गौड़ बिल्डर्स का, और रिनाउंड एकदम ये बिल्डर हैं, सारे प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर होते हैं। तो मेरा प्रेफरेंस आपको ये रहेगा, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप गौड़ यमुना सिटी में इन्वेस्ट करो। आप देख सकते हो दोस्तों ये है सोसाइटी, स्टार्ट हो गई है यहाँ से, अभी हम एंट्री कर लेते हैं। ये मेन पीपल्स ऑफिस है, और मैं आपको आगे का दिखा देता हूँ जो कि प्लॉट्स की स्टार्टिंग है, और यहाँ पे विलाज वगैरह भी हैं। ये दोस्तों लेक श्योर विलाज हैं, लेक फेसिंग है, सबसे प्रीमियम प्लॉट्स हैं यहाँ पे। दोस्तों आप देख पा रहे हो कि ये लेक है इधर, और लेक के सामने सारे विलाज हैं। तो एक बार मैं बाइक रोक के आपको लेक दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये एरिया, आप देख पा रहे हो कितनी ग्रीनरी मेंटेन्ड है, और लेक कितना बढ़िया लग रहा है, और पीछे बच्चों के राइड्स वगैरह हैं, सो नाइस। और सामने ये जो विलाज हैं इसकी ब्यूटी कितनी बढ़ जाती है इस लेक से। तो दोस्तों ये है विलास, और मुझे इनकी लोकेशन सबसे बढ़िया लगती है। तो दोस्तों 250 गज में बनी हुई है ये विला,
और आप देख पा रहे हो कि आगे तक सारे घर बन रहे हैं और कुछ लोग तो ऑलरेडी यहाँ पे रहने आ गए हैं। तो दोस्तों क्या सुंदर विला है ये, सेकंड पार्क व्यू, इसके अंदर भी आप देख सकते हो घर बने हुए हैं और हर एक अलग अलग सोसाइटी का, जैसे फर्स्ट पार्क व्यू है, सेकंड पार्क व्यू है, वहाँ पे दोबारा गार्ड्स खड़े हुए हैं। तो दोस्तों प्रॉपर चेकिंग होते ही आप अंदर जा सकते हो और सामने पूरा पार्क चल रहा है, लेक चल रही है। और ये हैं दोस्तों अपार्टमेंट्स जो कि ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं। इसमें 2 BHK 3 BHK अपार्टमेंट्स हैं, सामने अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। ये कृष्ण विला है दोस्तों, इसके अंदर भी आपको विला मिलेंगे। अब देख पा रहे हो कि अंदर अंदर कहीं कहीं अभी बन रहे हैं घर। तो दोस्तों प्लॉट साइज़ की मैं बात करूं तो यहाँ पे 80 गज से प्लॉट साइज स्टार्ट है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 32 लाख रुपये। दोस्तों ये GYC गैलेरिया है और ये डिलीवर्ड एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। और जैसे हाई रेज है बीच में, लो रेज भी बना हुआ है। तो दोस्तों गौर यमुना सिटी के अंदर आपको मल्टी ऑप्शंस मिल जाते हैं, कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये दोस्तों है इंटरनेशनल स्कूल गौर, आप देख पा रहे हो कितनी बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है। तो दोस्तों गौड़ में आपको मिलता है एक प्राइम लोकेशन, सिक्योरिटी, गेटेड कम्युनिटी, स्कूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और ये देखो आइकॉनिक बिल्डिंग बनी हुई है कृष्ण जी की यहाँ पे। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, वर्ल्ड टॉलेस्ट है ये। वेरी नाइस। और दोस्तों सामने संगम द्वार है और वो हाईवे आप देख पा रहे हो, पीछे गाड़ियाँ जा रही हैं, वो आगरा एक्सप्रेसवे है। सो अ वेरी प्राइम लोकेशन इस प्रोजेक्ट की। और आप देख पा रहे हो इधर भी सारा काम चल रहा है, ये सारे अपार्टमेंट्स हैं जो कि डिलीवर्ड हैं। ये भी दोस्तों विलास है, विलास के लिए कॉलोनी है पूरी। तो दोस्तों किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, या आपने कोई बुकिंग करनी हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के बाद मैं अपना नंबर ड्रॉप करूंगा, तो आप मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। यह दोस्तों विक्टोरिया विलास, इसके अंदर भी देखो आप प्लॉटिंग है, विलास हैं।
फिर सामने स्टेडियम बनने वाला है, तो दोस्तों अगर आपको प्लॉट चाहिए तो खाली प्लॉट भी मिल जाता है, और आपने अगर उस पर विला करना है, विला बनाना है, तो उसका भी आप ऑर्डर दे सकते हो। थर्टी सेकेंड पार्क व्यू, और उसके अंदर चलते हैं और एक बार विजिट करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कितना बड़ा ग्रीन लैंड सामने घरों के सामने दे रखा है। किसी भाई बंधु ने यह घर बनाया है और उसके सामने इसको कितना बढ़िया एक ग्रीन लैंड मिल गया है, जो कि बहुत बढ़िया लगता है। दोस्तों घर बन रहे हैं और कई लोग तो आई थिंक रह भी रहे हैं यहाँ पे। प्लॉट नंबर वगैरह डाला हुआ है, तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो सबसे बढ़िया इस टाइम का ये ट्रेंडिंग है नोएडा साइड में, अगर आपको इन्वेस्ट करना है। और मैं आपको बाइक रोक के थोड़ा यहाँ का विजिट कराता हूँ, क्या फीस है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है प्लॉट्स 32 पार्क व्यू में, और ऐसा एक प्लॉट सामने बना हुआ है, तो कुछ ऐसी ही लुक आती है विला की। ये है 100 गज का, और देख पा रहे हो अंदर पीओपी का काम भी किया हुआ है और गेट्स वगैरह कुछ ऐसे लगे हुए हैं। साथ ही में यहाँ पे अभी और भी घर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट हियर। दोस्तों ये है स्टेडियम, इधर बन रहा है स्टेडियम, और उसके सामने जस्ट ये एक लेक क्रिएट हो रही है यहाँ पे, तो मैंने सोचा आपको ये दिखाऊं। और ये सामने घर हैं और उनकी बैक साइड पे एक लेक लगेगी, तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पे जो है व्यू होगा। और सामने कृष्ण जी की मूर्ति, जो कि वर्ल्ड टॉलेस्ट और एकदम प्राइम लोकेशन। और ये देखो न्यू पाथवे बनाया हुआ है। तो जो भी मेरे दोस्त प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मिलने वाला है। सामने अपार्टमेंट्स, उधर भी विलास, वहाँ भी विलास हैं पीछे, और ये पार्क और लेक, सो नाइस।
दोस्तों, अगर आपने प्लॉट लेना है और उसके ऊपर विला बनाना है तो कंपनी जो ऑफ़र करती है रेट आपको 2400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ऑफ़र करती है, और अगर वही सेम क्वालिटी अगर आप प्राइवेट कंस्ट्रक्शन से कराओ तो समवेयर अराउंड 1800-2000 के आसपास पड़ जाती है। तो बेस्ट यही है कि अगर आप अपना प्लॉट लो और उसको प्राइवेटली बनाओ अपने हिसाब से, ज़रूरी नहीं कि जैसे विला बनता है 100% ऑक्यूपाई होके जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बनाओ, तो कि आपकी जो है कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। तो मेरा सजेशन आपको यही है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो ये अपार्टमेंट्स है आप इसमें आके रेंट पे तब तक के लिए आप रह सकते हो, तो आप जो है मॉनिटर भी कर पाओगे अपना घर आप कैसे बना रहे हो, और दूसरी बात आप जल्दी से जल्दी भी बनवा पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वालों का नंबर चाहिए या उनसे कॉन्टैक्ट करना है तो वो भी हमारे लिंक हैं, तो मैं आपको करा दूंगा। तो जैसा भी आपका प्लान हो, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो यहाँ पे, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करो। तो दोस्तों, ये बन रहा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लॉर्ड कृष्णा मार्ट के नाम से, इसमें शॉप्स अवेलेबल हैं। 135 स्क्वायर फीट के साइज़ में यहाँ शॉप मिल जाती है, जो कि स्टार्टिंग प्राइस है उसका 25 लाख रुपए, और साथ ही में स्कूल है। दोस्तों, ये 203 गज का विला है, और ये कृष्ण विला के अंदर सारे 203 गज के अंदर विला बने हुए हैं, और ये सैंपल विला है। और ये हमारे साथ हैं आज दोस्त हमारे, जो कि आज दिखाएंगे, क्या नाम भाई आपका? यशपाल नागर जी। तो ये एंट्री है, इसके अंदर है लिविंग एरिया। ये पार्किंग एरिया है जी? ये पार्किंग एरिया है जी। एंट्री करनी है? इधर लिफ्ट है? हाँ जी, लिफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, वो आप भी खोल आप लगाना चाहो तो ले लेना। अच्छा, इधर क्या है? ये वैसे बेडरूम होगा पर स्पेस को यूज किया हुआ है? हाँ जी। अच्छा, वॉशरूम। ये है बैकयार्ड, ये वॉशिंग के लिए स्पेस है, ये वाला। ये है ग्राउंड का सेकंड बेडरूम, साथ में वॉशरूम। सामने है किचन, और यहाँ पे बनाया हुआ है लिविंग स्पेस। वेलकमिंग
ये है सेकंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम, और यहाँ पे वार्डरोब भी है, साथ में वॉशरूम। अच्छा, तो दोस्तों लिफ्ट के 12 से 13 लाख रुपए देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, विला के अगर आप विला बनाते हो तो उसमें अलग से ये चार्ज है। और ये वो आगे छत पे, एसी वगैरह फिटेड मिलते हैं जी? नहीं, एसी आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, एसी लगाएंगे। तो दोस्तों ये है छत 200 गज की, आप पूरा इसको यूटिलाइज कर सकते हो, क्वार्टी के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। इसे काउंटर बनाया हुआ है, अच्छा वो क्लब है सामने। दोस्तों ये था कृष्ण विला, 200 गज का विला का सैंपल फ्लैट, सैंपल विला जो मैंने आपको दिखाया। और किसी भी तरीके की बुकिंग या जानकारी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही और वीडियोज़ आएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।